हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम टाइम। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी का एक छोटा सा टॉपिक। देखो, ये टॉपिक बहुत ही ब्रॉड है, लेकिन आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बेसिक टर्म्स इससे पूछे जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हायर परचेज सिस्टम। अब हम अकाउंटेंसी के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कवर कर लिया, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, हमने आपके लिए मैक्सिमम टॉपिक्स कवर कर रखा है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके सारे प्लेलिस्ट सीरियल वाइज आप देख सकते हो। सब कुछ ऑर्डर में मिलेगा, आपको वैसे ही ऑर्डर में ही देखना है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके साथ अकाउंटेंसी और ख़त्म करेंगे बाकी बचे हुए टॉपिक्स। इस वीडियो में हम हायर परचेज डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ आएंगे शेयर्स, डिवेंचर, जैसे जैसे हम अकाउंटेंसी को ख़त्म कर रहे थे वैसे ही करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, हमारा टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो चुका है। जो भी नए सब्सक्राइबर हैं और जो स्टूडेंट्स अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं, वो हमारे टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। उनको हमारे टेस्ट सीरीज़ में कम्प्लीट 11 यूनिट का टेस्ट मिलेगा, 7 फुल पेपर मिलेंगे, साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए MCQs दिए जाएंगे, नोट्स दिए जाएंगे हर एक यूनिट के, करंट अफेयर के PDF फाइल्स दिए जाएंगे, वीडियोस, जो भी वीडियोस अपलोड होता है उसका अर्ली एक्सेस मिलेगा, मतलब आप पहले उसे एक्सेस कर पाओगे अदर यूज़र से। आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे इन व्हाट्सएप ग्रुप, और ये सब बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे, जो कि है ₹400। अगर आप इनरोल होना चाहते हो BCom एंट्रेंस टेस्ट सीरीज़ में, तो इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो और फटाफट इनरोल हो जाओ। तो हम चलिए मूव करते हैं अपने आज के टॉपिक के। तो आज का टॉपिक है हमारा हायर परचेज सिस्टम। देखो, ये स्क्रीन पे जो भी आपको नोट्स लिखा हुआ दिख रहा है, इसे समझने से पहले हमें एक कंसेप्ट जानना होगा कि हायर परचेज सिस्टम होता क्या है। वो अगर आप जान लेते हो, तब ये जो भी आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है आप क्लियरली समझ जाओगे कि हायर परचेज सिस्टम होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, फिर हम आएंगे अपने डेफिनेशन पे। तो जैसा कि आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत सारे केसेस दिख रहे होंगे, केस 1 केस 2। देखो, अब हम बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। जब आप मशीनरी परचेस करने जाते हो, या कोई भी आप एसेट का एग्जांपल ले लो, जब आप मशीनरी परचेस करते हो, तो आप जब मशीनरी परचेस करोगे तो या तो आप कैश बेसिस पे परचेस करोगे या फिर क्रेडिट बेसिस पे, मतलब कैश परचेस और क्रेडिट परचेस। तो जब आप कैश परचेस करते हो तो जो हमारा बायर है वो सेलर को कैश देता है और सेलर उसके जगह उसे मशीनरी देता है। पहला केस ये हुआ। सेकेंड केस हम देखते हैं क्रेडिट परचेस। क्रेडिट के परचेस में हमें जनरली उधारी में हम अपने सामान को लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट केस है कि आप मशीनरी लोगे सेलर से। सेलर कौन है? इस साइड वाला हमारा सेलर है और ये हमारा बायर है। तो आप सेलर से मशीनरी लोगे और उसे बोलोगे कि हाँ, मैं आपको 2 महीने बाद आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा, एज अ क्रेडिट पीरियड आप मुझे 2 महीने का टाइम पीरियड दो। तो देखो, क्रेडिट परचेज में पहला केस ये हुआ। हमें क्रेडिट परचेज में और 2 सिचुएशन देखने के लिए मिलते हैं कि आप डायरेक्ट बोलोगे 2 महीने बाद मैं आपको पूरा पेमेंट कर दूंगा, जितने का भी मशीन है। एज्यूम कर लेते हैं 50,000 का मशीन है और आपने बोला कि मैं आपको 2 महीने बाद पे कर दूंगा। ये तो हुआ पहला केस। दूसरा केस हमें क्या देखने के लिए मिलता है? इंस्टॉलमेंट बेसिस, मतलब जो आपको 50,000 पे करना है उसे आप कई टुकड़ों में पे करोगे, मतलब कह सकते हैं 10,000, 15,000, ऐसे ऐसे करके आप पेमेंट करोगे। तो जो आपका बायर है, मतलब जो आप हो, आपने सेलर से मशीनरी परचेज किया और उसे आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हो। अब जो हमारा तीसरा सिस्टम आता है, या तीसरा क्रेडिट परचेज का मेथड हम बोल सकते हैं, वो है हायर परचेज। इसमें आप देखो, आप यहाँ पे कंफ्यूज आप मत करना। यहाँ पे जो हमारा बायर है वो सेलर से मशीनरी परचेज करेगा और सेलर को बोलेगा कि मैं आपको इंस्टॉलमेंट में आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। तो अब आपके दिमाग पे क्वेश्चन हिट कर रहा होगा कि इस मेथड और इस मेथड में क्या डिफरेंस है। दोनों तो सही सेम ही दिख रहा है कि इसमें भी इंस्टॉलमेंट में पे करना है और इसमें भी इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो डिफरेंस है, पहले आपके दिमाग में इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि आप जब कोई भी परचेस करते हो 2 बेसिस पे करते हो, कैश बेसिस और क्रेडिट बेसिस पे। क्रेडिट बेसिस में 3 केस, एक नॉर्मल हो गया, दूसरा इंस्टॉलमेंट और तीसरा हायर परचेस बेसिस। तो अब देखो, अब समझते हैं डिफरेंस क्या है इसमें। देखो, आपको स्क्रीन पे हिंदी लैंग्वेज लिखा दिख रहा होगा या कुछ मिक्सअप हम कह सकते हैं इंग्लिश दिख रहा होगा आपको। तो जैसे कि देखो, इंस्टॉलमेंट सिस्टम में ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाता है जैसे ही आप डिलीवरी रिसीव करते हो।
देखो ये जो हमारा इंस्टॉलमेंट सिस्टम था, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये राम है और ये श्याम है। तो राम ने जैसे ही श्याम से गुड्स परचेस किया और श्याम ने अपने गुड्स या फिर मशीनरी को उसके पास डिलीवर किया, तब इस गुड का ओनरशिप किसके हाथ में आ जाएगा? राम के हाथ में आ जाएगा। क्या है इसका सेंस? कुछ समझ नहीं आ रहा होगा आपको। आगे पढ़ो। हायर परचेज में ओनरशिप तभी आती है जब आप सारे इंस्टॉलमेंट पे करोगे। मतलब जब यहाँ पे आप मशीनरी ले रहे थे और इंस्टॉलमेंट पे कर रहे थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपने 2 इंस्टॉलमेंट पे कर दिया या 3 इंस्टॉलमेंट पे कर दिया। जब तक आप सारे इंस्टॉलमेंट पे नहीं करोगे, जैसे कि हम कह सकते हैं आपको 50,000 पे करने थे 4 इंस्टॉलमेंट में, जब तक आप ये टोटल 4ों इंस्टॉलमेंट पे नहीं करोगे, तब तक आपको इस मशीनरी का ओनरशिप नहीं मिलेगा। लेकिन इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या होता है, जैसे ही सेलर ने आपके घर तक गुड्स को डिलीवर किया और आपने एक्सेप्ट किया, तो उस मशीनरी का ओनरशिप आपके हाथ में आ जाता है। यही बेसिक डिफरेंस है हायर परचेस सिस्टम में और इंस्टॉलमेंट में। एक बार फिर से सम अप करके बताता हूँ। इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, इंस्टॉलमेंट में डायरेक्ट हमें मशीनरी का ओनरशिप मिल जाता है जैसे ही हम गुड्स को एक्सेप्ट करते हैं या जैसे ही हम डिलीवरी रिसीव करते हैं। लेकिन हायर परचेज सिस्टम में होता है कि जब तक हम सारे इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते हैं, जितने भी इंस्टॉलमेंट है, 50,000 अगर अमाउंट है टोटल, अगर उसको 4 इंस्टॉलमेंट है, हमको 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, जब तक वो 4ों इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे तब तक ओनरशिप नहीं मिलेगा। इन केस अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तब आपके मशीनरी को ओनर ले जा सकता है। किस केस में? हायर परचेस के केस में। जैसे कि आपको 50,000 पे करने थे, टोटल 4 इंस्टॉलमेंट आपको देना है, आपने बस 3 इंस्टॉलमेंट पे किया और 4th इंस्टॉलमेंट आप नहीं पे कर रहे हो, तब ओनर आएगा और आपके सारे मशीनरीज जितने भी आपने परचेज कर रखे हैं वो लेकर चला जाएगा। तो इसीलिए हायर परचेज में हमें ओनरशिप तभी देखने के लिए मिलता है जब हम टोटल इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं। लेकिन इंस्टॉलमेंट सिस्टम ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे ही आप डिलीवरी रिसीव करोगे आपके पास ओनरशिप आ जाएगा। उसके बाद उस मशीनरी का जो ओनर है, मतलब जो सेलर है, वो बस आप पे केस कर सकता है, वो आपके गुड्स को लेकर वापस नहीं जा सकता है। अब कुछ कंडीशंस हैं हायर परचेज एग्रीमेंट के, ये देख लो। जैसे कि हायर परचेज इज ट्रांजेक्शन वेयर द गुड्स आर सोल्ड बाय दी वेंडर टू दी परचेजर अंडर दी फॉलोइंग कंडीशन। यहाँ पे वेंडर कौन है? सेलर है, जो आपको मशीनरी बेच रहा है। परचेजर कौन है? बायर है। द गुड्स विल बी डिलीवर्ड टू द परचेजर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। जब आप एग्रीमेंट करोगे तब आपको गुड डिलीवर किया जाएगा। द परचेजर हैड राइट टू यूज द गुड्स डिलीवर। अब आपके पास जो भी मशीनरी आ गए, अब आप उसको यूज कर सकते हो। हाँ, उस पर आपको अलग डेप्रिसिएशन भी देना होगा अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो। द प्राइस ऑफ गुड्स विल बी पेड इन इंस्टॉलमेंट। हमें हायर परचेज सिस्टम में हमें पेमेंट्स इंस्टॉलमेंट में करना होता है। एवरी इंस्टॉलमेंट विल बी ट्रीटेड एज द हायर चार्ज। हर एक इंस्टॉलमेंट को आप क्या नाम दोगे? हायर चार्ज। अब ये डेफिनेशन समझो। अब ये डेफिनेशन समझो कि हायर परचेज सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर डिलीवर्ड टू द परचेजर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट बिफोर द पेमेंट। आपको पेमेंट करने से पहले ही आपके गुड्स की डिलीवरी आपको मिल जाती है। आप पेमेंट किस में करते हो? इंस्टॉलमेंट। लेकिन जो टाइटल शिप रहता है गुड्स का, मतलब ओनरशिप रहता है, वो ओनर के ही हाथ में रहता है। मतलब जो हमारा सेलर है उसी के पास उस गुड्स का टाइटल रहेगा। कब तक? जब तक आप सारे इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर देते हो। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ अ सिस्टम ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। अंडर दिस सिस्टम द परचेजर पे द प्राइस ऑफ गुड इन इंस्टॉलमेंट। इसमें जो भी परचेजर रहता है वो वेंडर को इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करता है। तो इसमें 2 पॉइंट क्लियर रखना कि वेंडर कौन होता है? सेलर होगा। और बायर कौन होगा या फिर परचेजर कौन होगा? बायर। दोनों को आप याद रखना। अब हायर परचेज का फीचर समझ लो कि कौन कौन से वो फीचर्स हो सकते हैं। फर्स्ट है ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ओनली। क्या है इसका मतलब? द हायर वेंडर ट्रांसफर्स ओनली द पोजेशन ऑफ गुड्स टू द हायर परचेज इमीडिएटली आफ्टर द एग्रीमेंट ऑफ हायर परचेज इज मेड। वो आपको गुड्स गुड्स तो ट्रांसफ़र कर देगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो ओनरशिप आपको पूरा ट्रांसफ़र नहीं करेगा। ओनरशिप आपको तभी मिलता है जब आप सारे इंस्टॉलमेंट क्लियरली पे करते हो। बिना इंस्टॉलमेंट पे किए आपको टोटल ओनरशिप नहीं मिल सकता है उस गुड्स का। गवर्निंग एक्ट, इसका एक्ट याद रखना, हायर परचेज एक्ट 1972 पूछा जा सकता है।
ये एक्ट कब आया था? 1 सितंबर 1973, मतलब इस डेट से इस एक्ट ने काम करना स्टार्ट किया, मतलब इंप्लीमेंट हो गया था। क्रेडिट परचेज आप करते हो, जो भी आप क्रेडिट परचेज करोगे उसे आपको फ्यूचर में जाकर पे करना होगा इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। टर्मिनोलॉजी, कुछ आपको बेसिक टर्म्स देखने के लिए मिलेंगे हायर परचेज सिस्टम में, जिससे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं छोटे छोटे एमसीक्यू। हायर परचेजर, हायर परचेजर कौन है? बायर, द बायर इज इन द हायर परचेजर एग्रीमेंट हु परचेज द गुड्स ऑन हायर बेसिस, मतलब इंस्टॉलमेंट बेसिस। हायर वेंडर कौन है? हमारा सेलर। कैश पेमेंट आप करते हो, जो भी आपने गुड्स परचेज किए हैं उसके डाउन पेमेंट भी आपको करने के लिए मिलता है। जैसे कि आपका 50,000 का गुड्स है, तो आपने स्टार्टिंग में 10,000 पे कर दिया और आपने बोल दिया जो 40,000 बच गया मैं उसे इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे कर दूंगा। हायर परचेज प्राइस, ये क्या है? देखो, अब आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट तो पे करना होगा ना, तो हमें दो प्राइस देखने के लिए मिलता है, एक कैश प्राइस और एक इंटरेस्ट, तो वही एक्चुअली हमारा होता है हायर परचेज प्राइस। राइट टू टर्मिनेट, ओनर जो है आपके गुड्स का, मतलब आपने जिससे भी मशीनरी परचेज किया है अगर आप उसको पेमेंट नहीं करते हो, तो आपके ओनरशिप को या फिर आपके मशीनरी को वो टर्मिनेट कर देगा। आपने जो भी पेमेंट किया है उसको वो एज अ डेप्रिसिएशन कंसिडर करेगा कि हाँ आपने मशीनरी इतना दिन यूज़ किया तो वो उसका डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, वो मशीनरी लेकर जा सकता है। हायर वेंडर कंटिन्यूज टू द ओनर ऑफ द गुड्स टिल द लास्ट पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज ओवर। आप जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करोगे तब तक ओनरशिप किसके पास रहेगा? हायर वेंडर के पास रहेगा। सही, आप लास्ट पेमेंट कर दोगे उस पर्टिकुलर मशीनरी के ओनर आप कहलाओगे। अब अकाउंटिंग कुछ मेथड्स हैं हायर परचेज ट्रांजेक्शन्स के, इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, बस नेम जान लो कौन कौन से वो नेम्स हैं। ये टॉपिक बीकॉम सेकेंड ईयर का है, हाँ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में फर्स्ट ईयर में भी देखने के लिए मिलते हैं लेकिन क्लास 12th में नहीं देखने के लिए मिलते हैं। तो आप हाँ फ्री रह सकते हो कि आपसे कम चांसेस ऐसे क्वेश्चन पूछने के, लेकिन करके जाना ज़्यादा बेटर रहेगा। बेसिक टर्म्स जानने ज़रूरी थे कि हायर परचेज सिस्टम क्या होता है, कितने मेथड्स होते हैं, हायर वेंडर कौन है, हायर सेलर कौन है, फिर वो कौन कौन से बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं जो कि आपको देखने के लिए मिलते हैं हायर परचेज सिस्टम के अंदर। तो फर्स्ट हमारा कैश प्राइस मेथड, सेकेंड है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, थर्ड है ट्रेडिंग मेथड और आखिरी है स्टॉक एंड डेटर मेथड। ये मेथड बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आप ग्रेजुएशन में जाओगे इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलेंगे। तो क्या आपसे इससे न्यूमेरिकल पूछेगा? नहीं, आपसे न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, बेसिक कुछ कंसेप्ट आपसे पूछेंगे, जैसे कि हायर परचेज सिस्टम होता क्या है, हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट सिस्टम में डिफरेंस क्या है, क्या अलग देखने के लिए मिलता है उसमें। अब देख लो इंस्टॉलमेंट सिस्टम के बारे में भी थोड़ा सा जान लो कि इंस्टॉलमेंट सिस्टम एक क्रेडिट सेल सिस्टम है जिसमें आप पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करते हो, अब जितने टाइम पीरियड के लिए आपने टाइम ले रखा है। इन दिस सिस्टम द बायर गेट्स द पोजेशन ऑफ गुड्स एज वेल एज ओनरशिप भी आपको साथ साथ इसके अंदर मिल जाती है। गुड्स तो मिलता ही है, ओनरशिप भी आपको मिल जाएगा जैसे ही आप एग्रीमेंट पे साइन करते हो या डिलीवरी जैसे ही रिसीव करते हो। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पेइंग द इंस्टॉलमेंट द वेंडर कैन नॉट रिस्पॉन्स टू द गुड्स। आप अगर इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो या नहीं पे कर पा रहे हो तो वो आपका वेंडर आपसे गुड्स लेकर नहीं जा सकता है, वो सिंपली आप पे केस कर सकता है और कुछ भी नहीं कर। तो इंस्टॉलमेंट सिस्टम और हायर परचेज सिस्टम में ये डिफरेंस था, हायर परचेज सिस्टम में आपको ओनरशिप तभी मिलता है जब आप लास्ट पेमेंट कर देते हो, लेकिन इंस्टॉलमेंट सिस्टम में आपको ओनरशिप स्टार्टिंग में ही मिल जाता है जैसे ही आप गुड्स का डिलीवरी रिसीव करते हो। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो कि आपको याद रखने हैं, आप अभी बी कॉम एंट्रेंस दे रहे हो ना कि एम कॉम एंट्रेंस दे रहे हो, जो आपको पूरा डिटेल में पढ़ना होगा। अगर डिटेल में पढ़ना रहता तो मैं इस पर जरूर डिटेल में वीडियो लाता, छोटा सा वीडियो था, आई होप आपने पूरा देखा होगा। अगर पूरा देखा है और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक करना, कमेंट करके जाना, जरूर अच्छा लगता है अगर आप जब जो भी कमेंट करते हो जैसा भी कमेंट रहता है, और चैनल सब्सक्राइब करके जाना और हो सके तो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में अकाउंट्स के शेयर जैसे चैप्टर के साथ और उसे भी कवर करेंगे और धीरे धीरे करके पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय। Eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, round till I'm found, hear the sound, listen.